सब्सक्राइब कीजिए दैनिक इंडिया दर्पण चैनल को और बेल आइकन दबाइए अपकमिंग अपडेट्स के लिए। पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुनील अरोड़ा ने देश के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर अपना पदभार संभाल लिया है। उन्होंने मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत की जगह ली है। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार में रात घर में चोरी करने घुसे चोर को दंपति ने कमरे में बंद कर दिया। सूचना मिलने के 5 मिनट में अपराध स्थल पर पहुँचने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राशिद के तौर पर हुई है। आयकर विभाग ने दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में छापा मारा, जहां से उन्हें 25 करोड़ रुपए और 100 लॉकर जब्त किए, जिनमें पैसे भरे हुए थे। तेल के दामों में गिरावट का सिलसिला आज भी जारी है। 2 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल का दाम 30 पैसे और 33 पैसे नीचे गिरा है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर विवादों में घिर गई है। आप विधायक ने बीच सड़क युवक को डंडे से पीटा। ताज्जुब की बात यह है कि वहां पुलिस भी मौजूद थी। दिल्ली वासियों को आज से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़कर 1.80 ppm तक पहुंचने के कारण दिल्ली के 3 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 25-30% तक कम हो गई है। पिंक लाइन मेट्रो की पहली और आखिरी ट्रेन के समय में बदलाव हुआ है। हालांकि यह बदलाव 3 से 8 दिसंबर तक के लिए किया गया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नोएडा के सेक्टर 107 स्थित एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर ग्राहकों से 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में हासिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के 3 निदेशकों को गिरफ्तार किया गया है। नर्सरी में दाखिले की दौड़ 15 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। सभी दस्तावेजों को स्कैन भी करा लें, क्योंकि स्कूल में जाकर फॉर्म जमा करने के अलावा ऑनलाइन फॉर्म भी जमा किया जाता है। हाई कोर्ट द्वारा दिल्ली में चल रही अवैध लैब्स पर की गई टिप्पणी पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। ये है डीआईडी में खबरें। अब तक इंतजार कीजिए।